दक्षिण कश्मीर के जिले पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। रात भर हुई मुठभेड़ में सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया और ये आतंकवादी काकापोरा स्थित न्यू कॉलोनी इलाके के एक घर में छिपे हुए थे। मुठभेड़ के दौरान घर में आग लग गई। मारे गए आतंकियों की पहचान माजिद अहमद, मोहम्मद शब्बीर अहमद और शारिक अहमद के तौर पर हुई है। मुठभेड़ स्थल से 2 AK-47 राइफल और 1 पिस्टल भी बरामद किए गए। इस कार्रवाई में आतंकियों की एक गोली सेना के मेजर के कंधे में लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। वहीं हर बार की तरह इस बार भी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई है ताकि आतंकी सुरक्षा घेरा तोड़कर भाग सकें, लेकिन ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बलों ने इस पर आसानी से काबू पा लिया। दरअसल बुधवार रात को सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि काकापोरा में एक घर में घुसकर कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने घरों को चारों तरफ से घेर लिया और 3 आतंकियों को मार गिराया।